लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। भाई नमस्ते। आ गया। ओ आजा आजा। ऐसा लगता है हर कोई दो दो को पटा कर लाया है। ओए इधर सुन। बोलो भाई। ये कौन है? इसे यहाँ क्यों लेकर आया है तू? भाई ये दिखने में ऐसा है लेकिन इसके अंदर टैलेंट कूट कूट कर भरा हुआ है। चाहो तो एक बार आजमा कर देख लो। बहुत टैलेंट है इसमें। थोबड़ा देख कर ही लगता है। आदमी तो अपने काम का लग रहा है ये। ओए तो अपनी टैलेंट दिखा। एक मिनट दिखाता हूँ। बैग क्यों दिखा रही है? ये सब तो बढ़िया है। ये बता थोबड़े पे टीका क्यों लगा रखा है? अरे सर सारी लड़कियों की नजर मुझ पर हमेशा रहती है ना, इसीलिए टीका लगाया हुआ सर की नजर ना लगे। ठीक है तेरा नाम क्या है? आरमुगम सर, आरमुगम। अरे बाप रे इसका नाम तो पुराने जमाने का है। सभी लड़कियों की नजर तुम पर लगी रहती है इसलिए आज से तुम्हारा नाम होगा छबीला। थैंक यू सर। गुड। ठीक है अब जरा विजय की तरह कर। ये विजय है। अब अजीत की तरह कर। सबके लिए एक ही रिएक्शन दे रहा है ये तो बर्बाद कर देगा। ठीक है अब सुपरस्टार की तरह कर। अरे बाप रे पहन ले सर। ठीक है अब सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम में से हर एक को 10,000 रुपए दूंगा। अच्छी तरह से नहाकर, अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर, बॉडी स्प्रे मारकर बस स्टैंड पर जाओ, मंदिर जाओ, कॉलेज में जाओ, जहां लड़कियां आती हैं ना वहां पर अपने स्टेटस से ऊपर वाली लड़कियों को पटाकर यहां पर लेकर आ जाओ। रूल्स बताता हूं। तुम लोगों को जिस चीज की भी जरूरत होगी वो सब कुछ कंपनी प्रोवाइड करेगी और जो भी अमीर लड़कियों को पटाकर लाएगा उसे स्पेशल इंसेंटिव मिलेगा। अंडरस्टैंड? ये अपनी कंपनी का सीईओ है। तुम्हारे जो भी टिप्स वगैरह होंगे ये सारी पॉलिसी ये देखेगा। और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ किस किस के पास स्मार्टफोन नहीं है? मेरे पास नहीं है सर। मेरे पास भी नहीं है सर। तुम दोनों के पास नहीं है? ओके मैं दिलवा देता हूँ। हैप्पी फर्स्ट गाइस इधर आओ। ये लो। थैंक यू सर। ये रखो। तू स्मार्ट दिख रहा है इसलिए तुझे मैं आईफोन दे रहा हूँ। ओके ओरिजिनल है ये। थैंक यू सर। और सुन आधार अटैच करना पड़ेगा। सर एक डाउट है मुझे। क्या डाउट है? इससे आपको क्या फायदा होगा? वेरी गुड।
स्मार्ट गाय। थैंक यू सर। लेकिन जवाब है वेरी सिंपल। वो क्या है कि हमारे राज्य में जितने भी लवर्स हैं उन लोगों को मिलाकर एक पार्टी शुरू करूंगा। पार्टी का नाम है लवर्स पार्टी। अगर ये पार्टी इलेक्शन में खड़ी होगी तो पूरे राज्य में हम लोग मेजोरिटी से जीत जाएंगे। पार्टी का नाम क्या है पता है? प्रेमी विकास एसोसिएशन, PVA। कुमार भाई ये लो, इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये लो, इसमें 10 कवर हैं। ठीक है भाई। सबको 10,000 दे दो। ठीक है भाई। ठीक है, अब जाओ सब लोग। विश यू ऑल द बेस्ट, सक्सेस होकर लौटना, जीतना जरूरी है। आज शाम को हम फिल्म देखने जाएंगे, ठीक है? जरा इधर भाई, उन दोनों को जाकर लेकर आओ। ठीक है भाई। अच्छा मुझे ये बताओ कि चल भाई बुला रहे हैं। चल। क्या हुआ भाई? कौन है तू? तेरा नाम क्या है? चल अपना नाम बता। पर आप हो कौन? पूछ रहा है मैं कौन हूँ? चल गाड़ी में बैठ, बताता हूँ। यही वो कमीना है। ए, रुक रुक, क्यों रे? दूसरे गांव से आकर मेरे गांव में हमारी बहन बेटियों को फुसला करके तू यहाँ से ले जाना चाहता है? सांप के बिल में हाथ डालेगा तो सांप काटेगा ही। ए, मंगलसूत्र निकाल। साहब हमें छोड़ दो, हम ये गांव छोड़कर कहीं चले जाएंगे। अगर ये रस्सी तेरे लिए जरूरी है तो मैं तुझे रस्सी देता हूँ, उसमें लटक जा। निकाल उसे। नमस्ते भाई। नमस्ते नमस्ते। लगता है तुम लोगों ने काम पूरा कर लिया। कर दिया। और आज खास क्या है? कुछ खास नहीं भाई। ठीक है आओ बैठो। लगातार चौथा दिन शेयर का भाव 448 गिर गया है शेयर मार्केट में। हालत बहुत खराब होती जा रही है। दोस्त क्या हुआ भाई? ये शेयर बाजार क्या होता है तुझे पता है क्या? इसमें लिखा है जो मालूम नहीं वो पूछ रहा है, संभालना पड़ेगा। किसान लोग एक साथ मिलते हैं ना, हाँ। तो उनको क्या बोलते हैं? किसान बाजार। उसी तरह ये भेड़ बकरी और बैल बेचने वाली जगह को क्या बोलते हैं? भेड़ बाजार या बैल बाजार। तो सुन मेरे भाई, उसी तरह हाँ। जहाँ शेर बेचे जाते हैं ना, अच्छा? उसी को शेर बाजार कहते हैं। ओ ऐसा है। कुछ भी बोलो समझ नहीं आता। फिर घट रहा है बढ़ रहा है क्यों लिखा है? इसके सामने इतना सवाल करके मुझे टॉर्चर कर रहा है। शेर का बच्चा जब बढ़ता है ना तो उसको बढ़ना कहते हैं। ऐसा क्या? और जब मरता है ना तो उसे घटना कहते हैं। अगर कुछ देर और बैठा रहा तो ये लोग मुझे पागल कर देंगे। ए, भाई सारी जानकारी है तुम लोगों को। तुम लोग जिंदगी में बहुत ऊंचे जाओगे। चलो काउंसलर समझता है। सर आपकी बताई हुई जगह पर पहुंच गया हूं। आ गया तू? अरे मैं तो मंदिर आ गया हूं। ठीक है ठीक है, रिसेप्शन में मेरा नाम बता, वो चाबी देगा, रेस्ट करना, एक घंटे में आ जाऊंगा। ठीक है ओके। सर मुझे मणि भाई ने भेजा है, ये लीजिए। जय भोलेनाथ, जय बाबा विश्वनाथ, गणेशाय नमः, जय हो। कुमार ला विभूति दे। अच्छे से लगाना बॉस। हाँ हाँ, जीत जरूर होगी। अच्छा तू काम क्या करता है भाई? सर मैं BSc की पढ़ाई करते हुए पार्ट टाइम न्यूज़पेपर्स डालने का काम करता हूँ सर। तो फिर पेपर डालते हुए तेरी मुलाकात उससे हुई? अच्छा उस लड़की से पहली बार कहाँ मिला?
उस दिन तो बहुत जोर की बारिश हो रही थी। जब उसे देखा तो पता चला वो मेरे साथ पढ़ने वाली लड़की है। जब मैं साइकिल से गिरा तो मुझे उस चोट का एहसास नहीं था, लेकिन मेरे दिल पर वो बहुत गहरी चोट करके चली गई। हाय, चोट अभी तक महसूस हो रही है। उसके बाद एक दिन, हेलो, एक मिनट, याद है आपको उस दिन हम लोग वो बारिश, स्कूटी, साइकिल आपस में टकरा गए थे? सॉरी। हेलो, जब बारिश हो रही थी तब आप बाहर क्यों निकली थी? बारिश में भीगना मुझे बहुत पसंद है। सेम, मेरे जैसी आदत है। उसने उस दिन जिस नजर से मुझे देखा वो मैं अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर रहा था। ए पुक्की, ए सुनना यार। बोलना क्या है? ए आज मैंने उसको देखा यार। उसके बाद शर्ट के अंदर बनियान पहनना इतना जरूरी नहीं है, लेकिन शॉक्स पहनना जरूरी है। छेड़ रहा है क्या? ध्यान से सुन, और तू भी सुन ले क्या? उसके साथ मैं कभी ना कभी इस मंदिर में आकर दिखाऊंगा, समझा? नहीं, सिर्फ तेरी गर्लफ्रेंड को दिखा। अगले ही दिन उस खुशी को दिल में लिए मैं तैयार होकर सिंसियरली कॉलेज के लिए निकला। देखने के लिए के बीच झगड़ा हो गया। ऐसा क्या? आजा, क्या हुआ बेटी? हाँ, बताती हूँ ससुर जी। पता है उन्होंने इसे क्या क्या लेकर दिया जानते हैं? हाँ, मैं अभी सुबह ही गांव से आया। हाँ ठीक है, मैं ऑफिस जाकर चेक करके बताता हूँ, उसके बाद भेजिए। ठीक है, ये ले, ये तेरे लिए और ये तेरे लिए, और इसे तू पूरा रख। इतना सारा मेरे लिए? ए, वो सब इधर ला। इसके अंदर क्या है खोल कर देख। मैं खोलूं? सुन, जरा मुझे दिखा। मेरा बहुत खूबसूरत है। थैंक्स भैया। महंगी साड़ी, चूड़ीदार, इसके अलावा गले से लेकर पैर तक बड़े बड़े सोने के गहने। वो तो पागल है बेटी। अच्छा, आप भी कुछ कम नहीं है। उस दिन ट्रेन में जाते समय एक आम मांगा तो आप इस उम्र में भी बच्चे की तरह दौड़कर ट्रेन मिस करके टैक्सी में आम लेकर उतरे थे, भूल गए क्या? मामूली आम के लिए। मेरी तो कोई कदर ही नहीं है। तुझे पता है ना बेटी, जब ये अपनी माँ के पेट में थी तब डॉक्टर ने कहा था कि इसकी माँ बहुत कमजोर है, अगर ये खड़ी रहेगी तो डॉक्टर ने कहा था कि ऑपरेशन हो जाएगा इसका। वो इतना दर्द सहकर इसे जन्म देकर के इस दुनिया से चली गई। उस दिन से लेकर आज तक इसका भाई और मैं इसका ख्याल परी की तरह रखते हैं ना। इसके अलावा दुनिया में हमारा है कौन? बात करना बेटी।
देख यार, तेरी गर्लफ्रेंड का नंबर निकाल लिया है, कॉल करके कनेक्शन दे रहा हूँ। वन टाइम ऑफर है, अपने दिल की बात उसे बता देना। अरे पक्का बताऊंगा। ए, बात करने के बाद मुझे पार्टी देनी होगी। अरे ठीक है, दूंगा यार। जा रही है, रुकना, लाउड स्पीकर ऑन कर देता हूँ। हेलो हेलो, आप कौन बात कर रहे हैं? अरे यार, ये किसी बच्ची की आवाज आ रही है। अरे वो तुझे बेवकूफ बना रही होगी, तू बात कर, बात करना बिंदास बात कर। मैं शंकर बात कर रहा हूँ। कौन शंकर? रुद्रा शंकर बोल। अरे चुप, बात कर रहा हूँ। अरे तू बात कर। तुम मुझे जानती नहीं हो क्या? वीडियो कॉल करोगे तो पता चलेगा ना पागल। तू चालू रख। अच्छा देखो, हाँ। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। मेरे पड़ोस के अंकल भी मुझे बहुत पसंद करते हैं। ओहो ओहो, लगता है नया ऑफर शुरू हो गया है। ठीक है वो छोड़ो, आपने क्या खाया? नूडल्स खाए। नूडल्स? क्या मुझे भी नूडल्स बहुत पसंद है। रोमांस की जगह नूडल्स की बात क्यों कर रहा है तू? चुप रहना। रुको, आप बहुत बोर कर रहे हैं, मैं आंटी को फोन देती हूँ। ए सुनो, ये लो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। ये तो अपनी आंटी को फोन दे रही है। अरे तुझे अभी तक समझ में नहीं आया क्या? वो तुझे बेवकूफ बना रही है, वो तुझे अलग तरह से छेड़ रही है। कुछ भी कर लेकिन मेरे लिए पार्टी जरूरी है। हेलो, कौन है? करपू स्वामी है क्या? घर पर आजा, कैसा है तू? देखिए आप मुछे छेड़ रही है, मैं जानता हूँ। छेड़ रही हूँ? फिर भी मैं बोलता हूँ। क्या? I love you. I love you. अरे भगवान, अरे क्या हुआ कन्नमा? क्या हुआ? अरे सच में आंटी बात कर रही थी। मतलब पार्टी नहीं मिलेगी क्या? दीदी भूख लगी है। तुझे कैसे पता चल जाता है रे? अभी तो मैं चावल चुनने बैठी हूँ, दिख नहीं रहा क्या? What can I do? अभी तो बनाने जा रही हूँ। तुम खाना बनाओ, तब तक मैं फोन पे किसी से बात करता हूँ। चांसी महबूबा हो मेरी। हेलो, जरा होल्ड करो। ए, ये कहाँ से आ गया? 1000 पोस्टर है, 800 तेरे 500 मेरे, ओके है ना? हाँ ओके। हाँ भाई ओके, रात को काम खत्म कर देंगे। मेरा एक फ्रेंड है सर, उसका नाम है पुक्की, बचपन से वो मेरे साथ ही है। पोस्टर्स चिपकाने में, पेपर्स डालने में वो मेरी मदद करता है। और मेरी एक बहन है सर, 9वीं कक्षा में पढ़ती है। जब उसका जन्म हुआ तब पापा घर छोड़कर भाग गए। उसके बाद मैंने पेपर्स डालने का काम शुरू कर दिया था सर। पंदर कहीं के, आज के बाद मेरी साइकिल को हाथ मत लगाना। मेरी फैमिली के लिए मैं ही सब कुछ हूँ सर। मेरी गर्लफ्रेंड कंप्यूटर क्लास जाती है ये पता चलने के बाद मैं उसका इंतजार करने लगा, तब वो किसी और के साथ बाइक पर आई। चलती हूँ भैया। और बाद में मुझे पता चला कि वो उसका भाई है। हेलो हेलो, आपसे ही कह रहा हूँ। क्या हुआ, ट्यूशन जा रही है? तुम कौन हो? मैं कौन हूँ? अरे उस दिन वो बारिश, स्कूटी, फिर पानी भी दिया था आपने। कौन हो, मुझे पटाने की कोशिश कर रहे हो क्या? मैं नहीं पटने वाली, जाओ यहाँ से। हेलो, मैं ट्यूशन ज्वाइन करने आया हूँ। उसके बाद मेरे दोस्तों ने मुझे एक आइडिया दिया। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है, तू उससे एक बार और फोन पे बात कर। अब ये किसका नंबर है? हेलो हेलो, हरणी है क्या? हाँ? एक मिनट मेरी बात सुनो हरणी। फांसी का पत्ता और चक्कू और जहर, इनमें से कोई चीज चूज करो, मुझे जीना नहीं है हरणी, मुझे मरना है। रॉन्ग नंबर। क्या हुआ? अरे यार उसने कट कर दिया। हेलो भवानी। हाँ बोल। अरे उस पागल ने फोन किया था, कह रहा था तुम हरणी हो, फांसी लगा लूंगा, पॉइजन खा लूंगा, ऐसा कहकर रो रहा था। पता है कौन है वो? कौन है मुझे नहीं पता। ए तू घर पे अकेली है ना, तो ऐसे ही टाइम पास करना। ए बकवास बंद कर, चल तू ही जा। अरे उसने खुद फोन किया। बात कर बात कर। अरे अलग तरीके से बात कर, अलग तरीके से। हेलो अरणी, जल्दी से सेलेक्ट करो, मुझे मरना है। मैं कसम खा कर कहती हूँ मैं हड्डी नहीं हूँ। एक मिनट रुको, मैं नंबर चेक करता हूँ। 789। अरे अरे मैंने गलत नंबर डायल कर दिया, आपका लास्ट नंबर 9 है क्या? ठीक है मेरी एक हेल्प करोगी? क्या है बोलो। एक नंबर मिस किया ना, उस नंबर पे फोन करके मैं जो कहूँगा वो बोल सकोगी हरणी? ठीक है नंबर बताओ। बस वही नंबर है, खाली लास्ट में 8 दबा दो। क्या बोलना है? अरे मैं क्या बोलूं? अरे बुद्धि की बात तो बोल। अच्छा
क्या मियां, आई लव यू, ऐसा बोल दो। हाँ। यही तो मैटर था। चलो ओके बाय। और दो दिन में तेरा लव सक्सेस हो जाएगा। हमारे इस घर की शादी के दावत को कबूल करके आप यहाँ आए, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे उत्तरी क्षेत्र अध्यक्ष और अपने समुदाय के रक्षक भाई पौनराज को दो शब्द कहने के लिए हम समुदाय की तरफ से विनती करते हैं। इस कार्यक्रम में शामिल हुए मेरे समुदाय के लोग और मुझे यहाँ बुलाकर सम्मान देने वाले सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और मेरा प्रणाम। और आज यहाँ, अरे क्या हो रहा है, आज यहाँ इस कार्यक्रम में जो भी शामिल हुए हैं, मेरे रिश्तेदार, समुदाय के लोग, भाई बंधु, चाचा चाची, मामा मामी, सब मिलकर के जो आज ये कार्यक्रम मना रहे हैं, उसकी वजह है इस दूल्हा और दुल्हन को अच्छे संस्कार देकर परवरिश करने वाले इनके माँ बाप, उन्हीं की वजह से ये सब कुछ संभव हुआ है। इन्होंने अपने बच्चों को परवरिश देकर जो उन्हें संस्कार दिए हैं, इसके लिए हमें उन पर गर्व है। एक लड़की को अच्छे संस्कार देकर उसकी परवरिश करना कितना मुश्किल है, वो उससे पूछिए जिसके घर में बेटी है। बरसात में, धूप में मेहनत करके बाप कैसे पैसे कमाता है, ये आप लोगों से छुपा हुआ नहीं है। अपनी लड़की की शादी किस तरह के लड़के के साथ कब और कैसे करवानी है, ये उन्हें पता नहीं है क्या? हमारे घरों में जो लड़के पैदा होते हैं, उन्हें बहुत ही लाड़ प्यार से, बड़े अरमानों के साथ पाला जाता है। सेलफोन दिए जाते हैं, सेकेंड हैंड बाइक खरीद कर दिए जाते हैं, और वो क्या करते हैं, रंग बिरंगे शर्ट पहनकर बहन बेटियों के पीछे भागते रहते हैं। उनसे ये कहते हैं कि मैं तेरे लिए ये करूंगा, वो करूंगा, आसमान के तारे तोड़कर जमीन पर ले आऊंगा। इस तरह के डायलॉग बोलकर भोली भाली लड़कियों को बहका लेते हैं। पढ़ने के लिए जब वो कॉलेज में जाते हैं तो उनकी जेब में किताब खरीदने के पैसे नहीं होते, और परिवार चलाने के लिए 10 दिनों में ही लड़कियों को पटा लेते हैं, और ये पढ़ी लिखी लड़कियां भी उनके साथ चली जाती हैं। गले में मंगलसूत्र पहनकर गर्भ में बच्चा लेकर वापस अपने माँ बाप के सामने खड़ी हो जाती हैं। अरे ओ बेशरम लड़कियों, तुम कुछ भी करो, मैं तुम्हें मना नहीं कर रहा, घर बनाओ या फिर महल बनाओ, ए! पर मेरी एक बात अच्छी तरह से कान खोल कर सुन लो, किसी और के घर में घुसने की कोशिश मत करना, अव्वल तो ऐसा कभी होने नहीं पाएगा, और अगर किसी ने किया तो मैं होने नहीं दूंगा, उसके लिए हम सब हैं यहाँ पर। इस मंच से मैं जिस बात को कह रहा हूँ, सब लोग अपने जहन में अच्छी तरह से बिठा लो। पानी में चाहे चंदन मिला हो या हल्दी का पानी हो, वो कीचड़ को साफ नहीं कर सकता। अरे यार, हे, अरे आ गया, देखना। अरे आ गया तो मैं क्या करूँ, बात करनी है। बात कर, बात कर। क्या बात करूं, लड़की की आवाज में बात कर। हेलो, हेलो, हरनी है क्या? हरनी नहीं, हरनी। आपके बॉयफ्रेंड शंकर है ना, उन्होंने बात करने के लिए कहा। क्या है? बात करने को कहा? कुछ तो किया मियां, आई लव यू। क्यों मुझे फंसवा रहा है यार तू? अपना फोन पकड़, मुझे माफ कर। अरे यार, मेरी गर्लफ्रेंड जब तक हानि करती तब तक तू ही तो हरनी है, कोई गड़बड़ मत करना। ए, मैंने ट्रू कॉलर में देख लिया है, उसका नाम शंकर बता ऐसा रहा है। क्या? हाँ, वो ऐसे ही मस्ती कर रहा है। ए, ये देख तेरा साइकिल वाला जा रहा है। अच्छा, कितने लोगों ने नॉमिनेशन किया होगा? लगभग 15 लोगों ने किया है पापा। तुम्हारा कितना चांसेस है? कह रहे थे कि उन 15 लोगों में से हम 3 लोग ही योग्य हैं। अगर आप उनसे एक बार कह देंगे तो काम हो जाएगा। बोलो बेटी। पापा, पेट्रोल खत्म हो गया है। पापा, आप आ सकते हैं क्या? हम लोग बीच रोड पर खड़े हैं। अभी आता हूँ बेटा। ए, गाड़ी घुमा, घुमा गाड़ी। क्या बात है, क्या हुआ? ए, दिव्या की गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया, बीच सड़क पे खड़ी है, चल गाड़ी घुमा। पापा, कर। पार्टी के लोगों ने 9 बजे का अपॉइंटमेंट दिया है, वो सब बाद में, वो वहाँ अकेली रोड पे खड़ी है, चल तू उतर। सत्यानाश, उतरना ही करते रहते। बेटी रोड पे खड़ी है और इसको मीटिंग की पड़ी है, ए, चलो। ओहो, अब मैं क्या करूं, मीटिंग को लेट हो जाएगी। अरे तेरे पापा कब आएंगे? पापा आएंगे या नहीं वो नहीं पता, पर पेट्रोल जरूर आएगा। साइड में लो, साइड में।
ए, संभाल के जाना। मैं उसके लिए इतनी मेहनत करके साइकिल से इतनी दूर पेट्रोल लेकर आया तो देखा कि कोई उसकी गाड़ी लेकर वहां खड़ा था। बाद में पता चला कि वो उसके पापा हैं। उसके बाद मैं दुखी होकर पेट्रोल की बोतल हाथ में लिए जब घर पे आके बैठा तो मेरी बहन ने आकर मुझसे पूछा, क्या बात है, साइकिल में पेट्रोल डालना शुरू कर दिया क्या? अभी मैंने इतनी मेहनत करके जब ये पेट्रोल खरीद लिया है तो थोड़ी और मेहनत करके बाइक लेने के बारे में सोच रहा हूँ। माँ क्या हुआ रे, आज तो तेरे भाई ने पेट्रोल खरीदा है, कल बाइक जरूर खरीदेगा। हा? मुझे पूरा यकीन है एक दिन मेरा बेटा बाइक जरूर खरीदेगा। एक दिन मेरा बेटा बाइक जरूर खरीदेगा। अरे पेट्रोल को ऐसे घूर कर क्यों देख रहा है तू? ए, इसकी गर्लफ्रेंड ने इसको आंखों से जलाया। अच्छा? ना तो ये उसको पेट्रोल से जलाने की सोच रहा होगा। अपाची की कीमत क्या है यार? ये गलत बात है यार। और स्प्लेंडर? अबे तेरी माँ ने 2 महीने से सिलेंडर नहीं खरीदा है। पल्सर? पल्सर के साथ घूमने वाले को पल्सर क्यों चाहिए? ए, वो गाड़ी लेने का आइडिया है मेरा, तेरे पास अगर आइडिया नहीं है ना तो ठीक है मुंह बंद कर अपना। एक दिन सुनिए, जरा रुकिए, मैं आपसे लव करने की ट्राई नहीं कर रहा हूँ, शादी कर लेते हैं फिर बाद में लव करेंगे, सोच कर बता देना, ऐसा उसके सामने बोलकर मैं चला आया। और वो कल क्या जवाब देगी इसी एक्साइटमेंट में मैं कॉलेज चला गया। एंड व्हाई शुड आई अपग्रेड टू द लेटेस्ट जावा वर्जन? ये 2 सब्जेक्ट ही कल आप लोगों का लेसन है, ओके? मेरी गर्लफ्रेंड प्रोफेसर को बहुत सताती है। सर तो चले गए, अभी चलते। ए, कहाँ जा रही हो, जवाब क्यों नहीं दे रही हो? हाँ छोड़ो, ये लो इसे पकड़ो और चुपचाप पढ़ो। हेलो। हेलो, क्या कर रही हो? बोलो। दिल को घायल करके चली गई? क्या हुआ बोलो ना। चलो ना मिलते हैं, बस एक बार प्लीज। प्लीज। नहीं नहीं। ए, प्लीज यार। क्या हुआ बोलो जल्दी। देखो जब से तुमने कहा है तब से मेरा दिल हाई स्पीड में फ्लाइट की तरह उठ रहा है, अगर तुम मिलोगी तो थोड़ा कंट्रोल होगा, क्या कहती हो? ठीक है। हा? कल शाम को मंदिर में आती हूँ। सच में? वहीं वेट करना, मैं तो अभी वहाँ जाकर चादर तकिया लेकर सो जाऊंगा। क्यों बे, तुम लोग इतने दिनों से मेरा मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन कल मैं उसको मंदिर में मिलने वाला हूँ।
उसकी सांसों की खुशबू को मैंने महसूस किया। उसकी सांसों की खुशबू मेरी सांसों में मिल गई थी। इस तरह की लड़की को जिंदगी भर मिस नहीं करना चाहिए, ऐसा मेरे दिल को लगा। तुमने इस तरह अचानक आने के लिए बोल दिया तो मेरे हाथ पैर काम नहीं कर रहे थे। सुबह हुई क्या कितनी बार जाग कर देखा। सच के लिए? अच्छा, तुम्हें ऐसा कुछ फील नहीं हुआ क्या? मुझे पटाने के लिए बहुत अच्छा प्लान बनाया तुमने। अच्छा सुनो, हम दोनों कहीं और चलते हैं क्या? पर क्यों? एकदम खुशी से अपने बाइक पर। बाइक है क्या? फ्रेंड की बाइक है, चलो ना। ए रुको, पहले खुद की एक बाइक खरीद लो, फिर उस पर बिठा कर घुमाने ले जाना। क्या कहा? खुद की बाइक? पहले खुद की एक बाइक खरीद लो, फिर उस पर बिठा कर घुमाने ले जाना। ठंडा ठंडा पानी से नहाना चाहिए। ए पुकी, कैसे भी करके एक बाइक खरीदनी है यार। तो खरीद ले, मुझसे क्या पूछ रहा है, शोरूम में जाके खरीद। पहले ही बोला था अगर अभी जाकर मैं बोलूंगा तो वो क्या करेगा, सेकंड हैंड दिलाने की बात करेगा। सेकंड हैंड लेगा तो ले लेना। नो, सेकंड हैंड नहीं चाहिए मुझे। अगर खरीदूंगा तो एकदम नई, ओनली फ्रेश। यार कोई आइडिया देना। तो 10,000 डिपॉजिट करके लोन पे गाड़ी ले। अबे वो बात तो मुझे भी पता है, लेकिन उस 10,000 के लिए क्या करूं, यही तो मुश्किल है। तेरे पास जो पुराने पेपर्स पड़े हैं ना, उन सबको बेच के गाड़ी खरीद ले। 10,000 मिल सकते हैं क्या? अरे फिकर क्यों कर रहा है, अगर कम पड़ेगा तो हम लोग कुछ हेल्प कर देंगे ना। पेपर मैं निकालता हूँ, तू बोतल चुनना शुरू कर दे। ओके, खुद की साइकिल नहीं है मेरे पास और वो मुझे बाइक खरीदने के लिए कह रही है। बाइक खरीदने के लिए पेपर डाला और पेपर निकाला। दिन रात मैंने मेहनत की और मेरा दोस्त पुक्की मेरे लिए पुरानी बोतलें चुनकर पैसे जोड़ने में लग गया। पुक्की के साथ साथ बाला ने भी मुझे पैसे दिए और इस चक्कर में मेरी गर्लफ्रेंड भी मुझे ढूंढने लगी। ए, तुम शंकर की बहन हो ना? हाँ मैं ही हूँ, दिव्या। वो मेरी बहन के साथ फ्रेंडली बात करने लगी। आओ बैठ जाओ। मैंने जो पैसा जमा किया था उससे मैं बाइक खरीदने के लिए चला गया। किसी भी तरह मैंने बाइक खरीदी ली और उसे पूछा कि क्या हम मिल सकते हैं। मैंने तो उसे ऐसे ही कह दिया था। क्या? बाइक खरीदने के लिए। अच्छा, उसने सच में बाइक खरीद ली। अच्छा, तुमने कहा था सिर्फ प्यार ही नहीं, शादी भी करूंगा तुमसे, तो बताओ कब कर रहे हो शादी? रुको एक मिनट। गाड़ी का एक ही ऑनर होना चाहिए था, ऐसा बोला था, इसीलिए मैंने कुर्बानी दी। वो मेरे सर पे खड़ा है, तू ईएमआई ठीक से भरना। देख अभी तो मैं संभाल लेता हूँ इस मैटर को, भूख लगी आते समय बिरयानी लेते आना। हेलो, बिरयानी का बोला तो चुप हो गया तू? अब कुछ लेते आना, भूख बहुत जोर के लग रही है। हेलो, कुछ बोल दो। अरे समोसा ही लेते आना, अरे कुछ तो लाना है। हेलो हेलो, लेना फिर बाहर जाएंगे। शालू, तुम्हारी दिव्या बुआ फोन पर किसी से बात करती है क्या?
ठीक है, उसे बुला, किसी और को बताना मत। तू यहीं पे रुक। चाचा जी, हाँ नमस्ते, आओ बेटा। नमस्ते चाचा जी, कैसे हैं आप? अच्छा हूँ। ए पानी लेकर आओ। चाची कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ बेटा, ये ले। अच्छा सुनिए, आप इसे रख लीजिए। ये क्या कर रहे हो? आपको मेरा एक काम करना है, मैं कल बताऊंगा। बाइक लेने के बाद भी मैं तेरे साथ साइकिल पर आ रहा हूँ, इसी को दोस्ती कहते हैं, समझा? और नीली साड़ी वाली तेरा नाम तो बता, जा रे कालिया। नाम तो बता, तेरा नाम तो बता, फिर दोनों घूमेंगे मस्ती कर। बोलो जानू, कहाँ हो तुम? मैं तो एरिया में हूँ। वो मेरे घर में कोई नहीं है तो? क्या, तुम्हारे घर पे कोई नहीं है? बाप रे, कितना बड़ा घर है। ओह, फैमिली फोटो है। चाय या कॉफी? टीसी। टीसी मतलब? टीसी का मतलब नहीं पता। ठीक है, किचन कहाँ पर है? वहाँ। बेडरूम कहाँ है? इस तरफ। उधर जाते हैं या इधर जाते हैं? यहाँ। ओह, बेडरूम में ले जा रही हो? चलो। किस करने की बजाय मुझे मार रही है। टीसी का मतलब क्या है बताओ तो? टी मतलब टी, सी मतलब कॉफी, इतना भी पता नहीं है? यानी दोनों मिलाकर चाहिए? अरे कैसे समझाऊं तुम्हें? अभी तुम टी, मैं शक्कर। टी में शक्कर डालेंगे तभी तो ठीक होगा ना। हाँ। मैं शक्कर डालूं क्या? नहीं तो तुम अरे बुआ, शालू उठ गई। ये कौन बीच में आ गई? मैं उसको जगा दूं? बोलो ना, जगा दूं क्या? तुम लोग हमेशा मोबाइल में घुसे रहते हो, घर के बाहर कौन आ रहा है कौन जा रहा है कुछ भी खबर नहीं रहती, लापरवाही से मत रहा करो। अच्छा ये स्कूटी किसकी? पता नहीं भैया, क्यों? ठीक है, तुम जाओ। से जो स्कूटी खरीदी थी उसके भाई ने उसको चला दिया। अरे यार, आ? उसके लिए मैंने थोड़े थोड़े पैसे जमा करके जो स्कूटी खरीदी थी, बचे हुए पैसे की बियर खरीद लिया, लगता है पूरी ही पी जाएगा ये, पक्का मुझे नहीं देगा। अरे उसने जो स्कूटी चलाई उसकी परवाह नहीं है, लेकिन अभी मेरे पेट में चलन हो रही है। फर्स्ट टाइम पी रहा, आराम से पी, सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा? कैसे ठीक होगा? कुछ ठीक नहीं होगा बेचारी, पता नहीं वहां किस हाल में होगी। एक बात बोलो, मैं मरने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उसके बिना मैं जी नहीं सकता। सब ठीक हो जाएगा, हम संभाल लेंगे, टेंशन मत ले। फिर उसके बाद उसकी इजाजत के बिना उसके घर वालों ने उसकी सगाई करवा दी।
आने वाली 21 तारीख को शुभ मुहूर्त है, ठीक है, उसी दिन शादी रखते हैं। अच्छी बात है। सब कुछ खत्म हो गया ना, अब हम क्या करेंगे? धीरे धीरे उसकी भाभी उसका मन बदलने की कोशिश करने लगी। ए, मैं बात कर रही हूँ और तू जवाब ही नहीं दे रही। हाँ भैया उसका नंबर देने वाले हैं, उससे प्यार से बात किया कर, समझ गई ना? इस तरह मुंह बनाकर मत बैठी रहा कर। और उसको दूसरे घर पर पहुंचा दिया गया। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम ढूंढ लेंगे उसे, हमारे परिवार का है वो। भाई आप रहने दीजिए, ये बता दीजिए वो कौन से एरिया में है। ठीक है बता दूंगा। हाँ छह, पहचान वालों के पास जाओगे तो जाती, अनजान लोगों के पास जाओगे तो वहां जाती, काम मांगने जाओ तो वहां पर भी जाती पूछते हैं, बहुत गुस्सा आ रहा है। ए, तू कौन सी जाति का है? तू चिंता मत कर यार, तूने उससे सच्चा प्यार किया है ना, वो तुझे मिल जाएगी। प्यार किया तो डरना क्या, फिल्म आई थी ना। अबे बोलने में क्या जाता है। उसके बाद एक दिन उसकी फ्रेंड भवानी ने मुझे फोन किया था। हेलो। हेलो भैया, मैं भवानी बात कर रही हूँ। हाँ बोलो भवानी, कैसी हो तुम? मैं अच्छी हूँ भैया। दिव्या कहाँ पर है? कल मैं उससे मिली थी और वो जिससे शादी करने वाली है उसने उसको आपके बारे में सब कुछ बता दिया है। तो उन्होंने क्या जवाब दिया? वो आप दोनों की हेल्प करेंगे कह रहे थे भैया। हाँ मैं उनका नंबर देती हूँ, आप लिख लीजिए। हाँ बताओ भवानी। 9976792130। ठीक है, और कुछ कहा क्या? आपको तुरंत बात करने के लिए कहा है। हाँ ठीक है। उसी दिन शाम को मैं उसके मंगेतर से बात करके उसने जहाँ बुलाया वहाँ मैं इस खुशी से जा रहा था कि वो हम दोनों को मिलाएगा। रहने वाले कीड़े, तू मेरे घर की लड़की से रिश्ता करने चला है? जान से मार दूंगा तुझे। रुक जा। सर, मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ, हम दोनों को अलग मत करो। सर, हम दोनों को अलग मत करो। इसकी हड्डी पसली तोड़ दो। सर मेरी बात तो सुनिए सर। लड़की छेड़ेगा तुम्हारा करेगा सब बोल। सर एक मिनट मेरी बात तो सुनो सर। सर प्लीज मुझे मत मारो सर, मुझे छोड़ दो सर प्लीज, मैं चला जाता हूँ। ठीक है सर, मैं सब छोड़ के चला जाऊंगा, उससे नहीं मिलूंगा, लेकिन मुझे माफ कर दो प्लीज, मुझे माफ कर दो सर।
उससे नहीं मिलूंगा सर, मुझे माफ कर दो सर, मुझे माफ कर दो सर, मुझे माफ कर दो। बहुत बुरा हुआ तेरे साथ, जानता है ये जातिवाद है ना, जहरीला पौधा है, साफ पानी डालो तो भी बढ़ता है, गटर का पानी डालो तो भी बढ़ता है, पानी का दोष नहीं है, पौधा ही जहरीला है वो। हाँ ठीक है, उसके बाद तू उससे मिला क्या? उसके बाद उससे मिलने के लिए मैंने बहुत तकलीफ उठाई। हेलो, डरपोक कहीं के, इतने सारे लोगों ने मिलके एक को मारा। अबे कौन है तू? ए छी, याद रखना 7 दिनों के अंदर तेरी बहन को उठाकर अपने दोस्त से शादी कराऊंगा। अबे अपनी औकात में रह, तू अपनी औकात में रह। नमस्ते भाई। हाँ नमस्ते, वो मेरा ट्रांसफर पढ़नी हो गया है। ऐसा है क्या? हाँ भाई ठीक है, मैं फोन करता हूँ, तुम जाओ। ए मैं कह रही हूँ चुपचाप यहाँ से चले जाओ, भैया ने देख लिया तो जान से मार देंगे। हे, तेरे भैया से मैंने कहा कि आज के बाद तुझसे नहीं मिलूंगा, लेकिन इस डर से कहा कि तुझे कहीं हमेशा ना देख पाऊं। तुझे खो देने का मुझे बहुत डर लग रहा था, लेकिन अभी देख लिया। अब बुलाओ अपने भाई को, तुझे देखने के बाद मेरी किस्मत में मौत लिखी है तो हो जाने दे, मैं खुशी से चला जाऊंगा, क्योंकि अब तुझे देख लिया ना। ए सुन, उसके घर में कौन आता है कौन जाता है, काम वाला काम वाली, दूध वाला पेपर वाला, रिश्वत लेने वाले, सबको उठाओ। ए रिचार्ज, उनके घर में कौन 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 सा नंबर यूज कर रहे हैं, उन लोगों का नंबर मुझे एसएमएस कर जल्दी। अबे ओ डायलॉग हीरो, 7 दिनों में मेरी बहन को उठाने की बात कर रहा था, उठा लिया क्या? उठाने की बात छोड़, पहली बात तो तू हार गया, अपनी औकात में रह। सुन बे, तूने अपनी बहन को मेले में लाने के बजाय घर में बंद करके रखा है ना, उसको कहते हैं डर, डर गया ना। आज मैं अपनी बहन को मेले में लेकर आता हूँ, अगर तुझ में हिम्मत है तो उठा कर दिखा। अरे हसो ना दादाजी, ये हंस नहीं रही है। क्या हुआ बेटी, क्या सोच रही है? ये सब तेरे भले के लिए तो कर रहा हूं। अच्छा, उसके बाद वो घर से बाहर आई क्या? उस दिन बगीचे में पानी डालने आई थी, मेरे फ्रेंड बाला ने जो आइडिया दिया था वो करेक्ट वर्कआउट हुआ था। मीटिंग करते रहते हैं, बहुत दर्द हो रहा है। हाँ पहुंच रहा हूँ, पहुंच रहा हूँ। आपको आने की जरूरत नहीं है, फोन रखिए। आ जाओ जल्दी चलिए। वो हॉस्पिटल आई,
बाला के प्लान के मुताबिक बाला बुर्का पहनकर अंदर गया। वो अपनी भाभी को चकमा देकर प्लान के मुताबिक बुर्का पहनकर बाहर आई। और मैं उसे वहां से लेकर चला गया। अब चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैं उसका हाथ नहीं छोड़ूंगा। यह फैसला मैंने कर लिया था। चली गई दिव्या। ये क्या कह रही है तू? मैं अभी आता हूं। पिताजी पिताजी तुम हमको छोड़कर चले गए। दुनिया में हम रह गए अकेले। नजरों से बहुत दूर जाकर हमने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की।
मैंने घर में और फ्रेंड्स को फोन ट्राई किया, लेकिन फोन स्विच ऑफ आ रहा था। हम लोग सेफ है ये बताने के लिए मैंने घर पर फोन किया था। भैया मुझे माफ कर दो भैया। भाई वो अंदर नहीं है। भैया सॉरी भैया। कहाँ पे है वो? दुकान पर गए। ठीक है चल। उन्हें आने दो भैया। उसे हमारे आदमी लेकर आएंगे तो चल। जब मैंने घर जाकर देखा तो वो घर पर नहीं थे। वो कहां गई ये मैं ढूंढने लगा तो मुझे दिखा कि उसका भाई उसे लेकर जा रहा था। अंदर कहाँ जा रही है? हाँ बाहर मुंह मार कर आई है और घर में घुस रही है। हाँ शर्म नहीं आती? तू तो घर में आ गई लेकिन पापा पापा अब यहीं बैठकर रो तू। उस कमीने का यह मंगलसूत्र तेरे गल में नहीं होना चाहिए। नहीं, नहीं। छोड़ छोड़ कह रही हूँ ना। ए कुमार बॉस उस वकील को फोन करके बुला जरा। ओके बॉस। तू फिकर मत कर तेरा भाई सब देख लेगा। तू रूम में जाकर आराम कर मैं आता हूँ। जा फिकर मत कर बिल्कुल। जाओ बॉस। आपको पता है इसने जिस लड़की को पटाया है वो लड़की असल में कौन है? कौन है? बॉस जिसके पास मैं पहले ड्राइवर की नौकरी करता था ना, लड़की उसके घर की है, बहुत पैसे वाली है, बहुत रुतबा है उनका, करोड़ों की मालकिन है वो। आइए भाई। प्रेसिडेंट इलेक्शन में जैसे आप लोगों ने मेरे पिताजी को जिताया वैसे ही MLA इलेक्शन में मुझे जिताकर अपनी जाति का गौरव बढ़ाइए। वैसे मालिक दिव्या जी आपकी इकलौती बहन है ना? पूरे देश में सबसे ज्यादा वोट डिफरेंस से कौन जीता है तुम्हें पता है क्या? सबसे ज्यादा नहीं पता मालिक। तो गाड़ी से उतर और जाकर पता कर। मालिक ये सब पता करना मेरे बस की बात नहीं है, सच कह रहा हूँ। चल उतर। अरे मालिक मेरा विश्वास करो मुझे नहीं पता। ठीक है जाओ। एक बार मैंने जो काम छोड़ दिया उसे दोबारा कभी नहीं देखता हूँ। मैं तो सोच रहा था मुझे आम मिला है पर यहाँ तो आम का पूरा बगीचा है। नहीं बॉस बगीचा नहीं मिला है, पैसों की खान मिली है। पूरा लूट लेते हैं। ए, अपनी इज्जत को नीलाम करके आए हो? तुम्हें वोट कौन देगा बताओ? तुम्हारे रिश्तेदार भी तुम्हें वोट नहीं देंगे। इस बार तुम्हें सीट नहीं मिलेगी, जिस पद पे हो वो भी गया। ए सुन तू ऐसे देख क्या रहा है? जल्दी से प्रेस मीटिंग बुला। चलो अब तुम जाओ। इस बार पार्टी से निकाल दिया और पद से भी हटा दिया। गांव में इसकी अब कोई इज्जत नहीं। पता नहीं अब ये क्या करेगा। तेरी वजह से इज्जत गई, मर्यादा भी गई, नाम भी चला गया और ससुर जी भी चल बसे, सब कुछ खत्म हो गया। अब तुझे जाना है तो तू भी चली जा, मगर उससे पहले मैं अच्छे से खाना बनाती हूँ तो उसमें जहर मिलाकर हम सबको खिलाकर मार डाल, तब तू खुश रहेगी। ये दिन देखने से पहले अच्छा होता हम मर गए होते। तू सुन नहीं रही है? मैं तुझसे ही कह रही हूँ। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था ना कि आप जो कहेंगी मैं वही करूँगी। मेरी कसम खा तू। आपकी कसम।
इस ताबीज से तुम्हारे गले में जिसने मंगलसूत्र पहनाया है उसकी याद नहीं आएगी और 2 महीने के अंदर सब ठीक हो जाएगा। भगवान तुम्हारी रक्षा करें। काम खत्म होते ही ले लेना, जाओ। कैसे हो? नमस्ते भाई। दिव्या को 7 दिनों के अंदर कोर्ट में हाजिर करना है, इसलिए ऊपर से बहुत प्रेशर आ रहा है। हाँ ठीक है, वो सब मुझे पता है, संभाल लूंगा मैं। कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए भाई, चलता हूँ। 10 दिन हो गए और अभी तक कोर्ट में उसको भेजा नहीं है, तो प्रेशर मुझ पर ही आएगा ना। क्या बोल रही है वो? वो मेरी ननन नहीं, बेटी है। मैंने उसे सब समझा दिया है, मेरी बात नहीं टालेगी। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, ठीक है? अरे वकील, फीस नहीं मिली तो क्या हुआ? पार्टी बहुत बड़ी है। अच्छा बाद में बात करता हूँ, ठीक है? सर फोन रख, फोन रख। एक काम कर, तू सीधा कोर्ट में आ जा। ठीक है, ओके ओके। वकील कोर्ट में पहुंच जाएगा ना? पहुंच जाएगा बॉस। ठीक है ठीक है, जल्दी से गाड़ी निकाल। ठीक है बॉस। हे भगवान, इस प्यार की जीत हो जाए और मुझे बहुत सारा शेयर मिल जाए। जय हो। मेरी बात सुनो पौनराज, अगर तुम्हारी बहन ने कोर्ट में ये कह दिया है कि तुम जबरदस्ती उसे कोर्ट में लाए हो तो तुम हार जाओगे। अगर वो कोर्ट के सामने ये कहेगी कि उस लड़के ने उसे फंसाया है तो वो लड़का जेल चला जाएगा। कुछ भी हो जाए कोर्ट में पावर मत दिखाना, जो कुछ भी हो मुझे फोन करके बता देना। हाँ ठीक है। देख अभी भी हम तुझे अपने घर की लक्ष्मी ही समझते हैं, पर आज हम यहाँ पर अनाथ होकर खड़े हैं। हमारी मान मर्यादा इज्जत सब कुछ चली गई है। आज तू कोर्ट में जो कहने वाली है उन्हीं बातों पर हमारी बची खुची इज्जत टिकी हुई है। सुनिए भैया, आप जो भी कहेंगे मैं वही सब कोर्ट में कहूंगी, आप लोग ही मेरे लिए सब कुछ हैं। तुम यहीं पर रहो, कोर्ट के अंदर मत आओ। तू आ जा। मैंने जो कहा है वो याद रखना। जाओ। केस नंबर 101, अभी इस केस की सुनवाई होगी। शंकर, शंकर, दिव्या, दिव्या, शंकर, दिव्या। आपका नाम क्या है? दिव्या। आपकी उम्र? 19 साल। और पापा का नाम? मतुवेल। आपके पति का नाम शंकर है क्या? आपका किडनैप हुआ था, शंकर ने ऐसी रिपोर्ट की थी, क्या ये बात सच है? किसी ने मुझे किडनैप नहीं किया, मैं खुद अपनी मर्जी से घर गई थी।
लगता है सोने की मुर्गी हाथ से निकल जाएगी। ऐसी मुर्गी को आप छोड़ सकते हैं क्या? ठीक है, अब आप अदालत को ये बताइए कि आप किसके साथ जाना चाहती हैं। आज तू कोर्ट में जो कहने वाली है उन्हीं बातों पर हमारी बची खुची इज्जत टिकी हुई है। आपको जो कहना है बेझिझक कहिए। मैं शंकर के साथ जाना चाहती हूँ। क्या हुआ बॉस? ये कौन सी जबान है? ये फेसबुक जबान है। जीत मिल गई। अच्छा, दिव्या अपनी मर्जी से अपने पति के साथ जा सकती है, उसे ना कोई रोकेगा और ना ही कोई जबरदस्ती करेगा। भाई बहुत बड़ी मछली हाथ लगी है, उसको धीरे धीरे से काटना। नेक्स्ट। बहुत बहुत शुक्रिया सर। भाई आजा, हम जीत गए। जो प्लान किया हुआ है ना वो सक्सेस जरूर हो जाएगा। माँ, दिव्या बुआ हमारे साथ नहीं आएगी? तूने मुझसे कहा था कि वो तेरी बातों को नहीं टालेगी, पर वो हम सबको बेवकूफ बनाकर चली गई। आप जो भी कहेंगे मैं वही सब कोर्ट में कहूंगी। आप लोग ही मेरे लिए सब कुछ। ये क्या कर दिया तूने? ये क्या किया तूने? ए शंकर। सर। इधर आ। जा नहाकर तैयार हो जा, हम लोग भी नहाकर आते हैं। ठीक है सर। जल्दी चलिए वकील साहब। हे भगवान, इस काम को सफल करवा देना बस। उस वकील की फीस बाकी है, तू 3 महीने यहाँ पर रहकर काम कर ले, वकील की फीस चुका दे, फिर तुम दोनों कहीं भी जाकर आराम से रह सकते हो। यही अपनी ईंट की खान है, यहाँ लगभग 40-50 लोग काम करते हैं। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, इसी जगह से तुम्हारी नई जिंदगी की शुरुआत होगी। यही है तुम्हारा घर। दरवाजा बहुत छोटा है इसका। बॉस, बॉस। हाँ? उन लोगों को ही जाने दीजिए ना। बहुत दिमाग खराब करता है ये। ठीक है, ज्यादा चपड़ चपड़ मत कर, मार्केट जाकर आराम से आ, जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है बॉस। शंकर को जिसने भेजा था ना बाला। ये जगह ठीक है क्या? हाँ, तू लिख ले ये 2 तकिया, 2 बेडशीट, ठीक है, स्टोव, 2-3 दिन के लिए राशन पानी। ठीक है बॉस। बॉस मन चली। बॉस क्या यार, आपकी सेफ्टी के लिए कुछ लेकर आऊँ क्या? तू बहुत ज्यादा बोल रहा है। जिस पेन में स्याही नहीं है उसमें ढक्कन की क्या जरूरत है? क्या हुआ? ए तू ही बता, इस हालत में। अरे भाई सामान भी खरीदने जाना है ना, आराम से आना। अरे बॉस ये आपका पेन। एक दिन तेरा खून कर दूंगा। शंकर। हाँ सर। आज से तेरा काम उधर ही है। ठीक है, आ जाओ, काम कैसे करना सिखा देता हूँ। हाँ, मजे लूटो। ये मेरे रिश्तेदार का बेटा है, इसे नया नया काम पे रखा है, इसे अच्छी तरह से सिखा दो इसे काम कैसे करना। ठीक है साहब। और देखो ये काम वैसे दिखने में मुश्किल लग रहा है, लेकिन जब करोगे तो बहुत ही आसान लगेगा। आधे घंटे में सीख जाओगे तुम इसे। आराम से सीख कर घर जाना तुम। और दिव्या, तुमने अपने पैरों से कभी मिट्टी को दबाया है? नहीं। तुमने भी नहीं किया? नहीं सर। दिखाओ कैसे करते हैं।
ठीक है चलो। तुम्हारा नाम क्या है? शंकर भैया। ये काम करने के लिए पैंट शर्ट नहीं चलेगा, इन्हें उतार कराओ। क्यों भाई, वो तुम्हारी पत्नी है क्या? लगता है प्यार करके शादी की है। ठीक है बाद में देखना, जल्दी से पैंट शर्ट उतार कर आ जाओ। बहुत सिंपल है ये, एक बार काम सीख जाओगे सब कुछ आसान हो जाएगा। सुनो ए गोमती, इधर आओ। हाँ साहब। इस लड़की को घर पर ले जाओ। हाँ। और जरा इसकी मदद कर दो। ठीक है जाओ। आ जाओ। वाह क्या बॉडी स्ट्रक्चर है, दिल तो चकनाचूर हो रहा है मेरा यहाँ पर। How are you, sir? Glad to meet you. मैं कौन हूँ ये तुम्हें पता होगा, या फिर नहीं भी हो सकता है। मैं डायरेक्ट मुद्दे पे आता हूँ। तेरी बहन है ना? तेरी गलौती बहन, तेरी लाडली बहन, 19 साल की दिव्या। और उसके साथ वो उसके साथ आया था ना? उस परी को उठाकर ले गया था वो पेपर डालने वाला बॉय, पहले लो क्लास, अभी तुम्हारा ब्रदर इन लॉ हाई क्लास, नाम शंकर। नाउ बोथ ऑफ देम आर इन माय हैंड, डील की बात करते हैं। हेलो हेलो। जरा आप देख लीजिए। जी ठीक है। हेलो किधर है तू? मील में हूँ। क्या हुआ, क्या बात है? कुछ नहीं, तू वहीं रह, मैं आ रहा हूँ। जल्दी जल्दी चलो। सन, बहुत घमंड हो गया तुझमें, क्यों फोन क्यों कट कर रहा है? देख मैंने उन लोगों को किडनैप नहीं किया है और ना प्यार किया है, उन दोनों ने आपस में प्यार किया है, तूने उनको अलग किया और कोर्ट ने उनको मिला दिया, तो फिर उन दोनों को अलग करना चाहता है। अलग कर देंगे लेकिन सबकी एक कीमत होती है, सोच ले अच्छी तरह। मैं वेट नहीं करने वाला हूँ, तुझे जरूरत है तो फोन कर। प्यार है बहन से, तू फोन करेगा और मैं उठा लूंगा। वेट कर रहे पैसा धन दौलत हेलो बोल। मैं तुझे 5 लाख रुपए देता हूँ। $5 lakh वेरी बैड रेट। अभी रेट बढ़ गया है सर। लगता है आपको बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है पता ही नहीं है। एक बात कहूं सर, आपकी बहन की कीमत सिर्फ 5 लाख रुपए है क्या? हैं? अगर मैंने उसे मुंबई भेज दिया ना तो कम से कम 10 लाख मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर उसे दूर फॉरेन भेज दिया ना तो तेरी बहन जो है ना एकदम मोम की गुड़िया है, एकदम मुलायम है, फॉरेनर्स को बहुत पसंद आएगी वो।
बहुत 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 लाखों मिलेंगे, क्या बोलते हो? ए, कितना चाहिए तुझे? थोड़ा ऊपर नीचे होगा तो चलेगा। आई एम वेटिंग। क्या कह रहा है वो? कह रहा है मुंबई भेजेगा तो 10 लाख रुपए पाएगा वो, और फॉरेन भेजेगा तो उससे लाखों कमाएगा। 5 लाख रुपए? क्या 5 रुपए भी उसे नहीं मिलेंगे? वो उस कमीने के साथ भागी है ना, वो अपना खुद देख लेगी। आपने मुझे मारा? ए! अब मैं आपको बताती हूँ बीवी क्या होती है। ए, गाड़ी को पीछे कर। अरे ऐसे आदमी से शादी करके क्या फायदा, इसे तो हाथ में चूड़ियां पहननी चाहिए। हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग, डील ओके है क्या? hey, बोल। बोलू क्या? बोलना। बोलता हूँ। कितना चाहिए, कितना चाहिए तुझे? अभी तो 1 करोड़। 1 करोड़? ए, घर पे जा और 1 करोड़ रुपए इकट्ठा करके मुझे फोन कर, चल जा। ए, बोलो ब्रो, कहाँ आना है, कब आना है बता मुझे। वेलकम टू पलनी ब्रो। अभी आ रहा हूँ मैं। घर तो पसंद आया ना? धूल मिट्टी ज्यादा है लेकिन यूज बहुत कम हुआ है। उस कूल बॉय को मैंने सामान लाने के लिए भेज दिया है, सेटल हो जाएगा। हाँ, शहर के अंदर आ गए। शहर के अंदर आ गए हो? अभी कहाँ पर आना है बताइए ना। रोप कार के पास आ जाओ। हे, रोप कार के पास चल। बैठो। नहीं नहीं ठीक है। अरे बैठ जाओ ना। रहने दीजिए। सिट डाउन। गुड। रोप कार के पास आ गया। आ गया। कहाँ है तू? वही आसपास कोई कॉफी शॉप है ना, वही कॉफी पी मैं आता हूँ। क्या हुआ? इधर आओ, उधर आ करके वो हमें घुमा रहा है भाई। ठीक है, तू फोन रख। ये नंबर किसका है याद है तुझे? ये तो मेरे भैया का नंबर है। ओन ब्रदर बट बैड ब्रदर। ये क्या बोल रहा है तुझे पता है? 1 करोड़ रुपए देता हूँ तुझे, उन दोनों के टुकड़े टुकड़े कर दो। बहुत गुस्से में आ रहा है वो। ये तुम लोगों को इतनी प्रॉब्लम क्यों आ रही है? तुम्हारी राशि क्या है? पता नहीं सर। लगता है कोई ग्रह जो है गलत दिशा में जा बैठा है। शो योर हैंड, शो योर हैंड। लेफ्ट, लेडीज का बाया हाथ देखते हैं। ला 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 ला, कम 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 कम। तू बड़ी सभी सावित्री है। देख, तुझे अभी यहाँ पर लिटा कर ऐसा का वैसा कर दूंगा। बहुत वक्त नहीं लगेगा, लेकिन मुझे जो है ना फोर्स यूज करना अच्छा नहीं लगता है। ये मछली है ना, मछली, उसको कांटे में फंसाने के बजाय अगर वो खुद उछलकर गोद में आ जाए ना तो बहुत मजा आता है। अब वो मजा तू मुझे खुद ही दे दे। मैं तुझे छुऊंगा भी नहीं, तू मेरे पास खुद आ जा, मुझे खुश कर दे तू। 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट, आ जा। ए, उठ के क्यों जा रही है? हम दोनों को आप क्या कहकर यहाँ पर लाए थे? अरे मैंने अब तक कुछ बोला ही नहीं है रे।
बैठ जा, सिट डाउन। मेरे कानों में आकर अपनी मीठी आवाज में आई लव यू बोल देना। आजा, मेरे पास आकर मेरी शर्ट के बटन को एक एक करके खोलो। सर, मुझे छोड़ दीजिए सर, हम यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे। मेरे पास आ। अरे कहाँ लेके जा रहे हो? मुझे लगा कि आप धमाल करोगे, बल्कि उल्टा वो आपके साथ बवाल करके चली गई बॉस। तेरा थोबड़ा बिगाड़ दूंगा। ए, वो लड़की यहाँ से भाग गई है और उसका भाई 1 करोड़ रुपए लेकर आ रहा है। कोई आइडिया दे जल्दी से। बॉस, आप तो बिल्कुल फिल्म वालों की तरह डायलॉग बोल रहे हो। आपको फिल्म में कॉमेडियन का रोल मिल तुझे जाएगा। कॉमेडी लग रही है? देख, उसका भाई ओवन में 1 घंटे से वेट कर रहा है और अब लड़की अपने हाथ में नहीं है। क्या बोलकर उसको संभालूं मैं? कोई तो आइडिया दे। रुकिए रुकिए, एक्यूज के करीब पहुंच गए सर, आज इवनिंग तक पकड़ लेंगे उसको। ठीक है सर। तुम्हारा नाम क्या है? दिव्या। तुम्हारा नाम शंकर है ना? मुझे कैसे पता ये सोच रहे हो? तुम्हारे केस के बाद ही मेरा केस चला था। कोर्ट ने तो कह दिया था, फिर तुम लोग। सर नहीं सर, हमारी जिसने हेल्प की उससे प्रॉब्लम है। आज हमारे धंधे से ज्यादा प्यार करने वालों को मिलाने और उन्हें अलग करने वालों का झंडा ऊंचाई पर लहरा रहा है सर। सुनो, चुपचाप गाड़ी चलाओ। सर प्लीज, हमें बस स्टॉप पर उतार दीजिए। बॉस, कितना बड़ा पहाड़ है देखिए। तो फिर मैं क्या करूं? आप एक काम कीजिए, उसे फोन करके पैसों के साथ इस पहाड़ के पीछे आने को बोलिए। पैसा पैसा। हाँ, पैसा रेडी है। हाँ, सीधा ऊपर आ जाओ। ऊपर चलो। क्या ब्रदर, इतने सारे आदमी लेकर आए हो, कोई अलग प्लान है क्या? पैसा हमारे बॉस को दे दो, जो बॉस चाहेंगे वही होगा। जवान बच्चे नई शादी के बाद खुश हैं, उनके आते ही उनको इनके हवाले कर देते हैं। तू गाड़ी के पास आ, मैं वहाँ वेट करता हूँ। वो पैसे मुझे दे दो। एक मिनट रुको, आता हूँ। किधर जा रहा है ये? लगता है अपने बॉस को फोन करने जा रहा है। हा? क्या हुआ? ए, आधे लोग उसके साथ जाओ और आधे लोग वहीं रुको, मैं आ रहा हूँ रास्ते में। ऐसा है क्या भाई? ठीक है, ए, बैग दे। थैंक यू ब्रो, थैंक यू। ए कुमार, इनके हवाले कर दे, माल का हवाले करना। ओके बॉस। ये पीछे क्या है? ऐसे ही सेफ्टी के लिए। ओ, बॉडीगार्ड है। हवाले कर देना, मैं नीचे काउंट करता हूँ। ठीक है बॉस, ठीक है। हेलो, तुम क्या काम करते हो? 6 महीने काम करता हूँ और 6 महीने घर पर रहता हूँ। ऐसा कौन सा काम करते हो भाई तुम? हाथ पैर काटना, सर काटना, हत्या, किडनैपिंग, सिंपल सा काम करता हूँ सर। सिंपल काम है, तुम क्या करते हो? पार्ट टाइम पॉलिटिक्स करता हूँ भाई। फुल टाइम क्या करते हो? फुल टाइम मैं तो जेल में रहता हूँ भाई। जेल में? बॉस,
दोनों जवान हैं, क्या पता और टाइम लग जाए। आप निकल जाना, मैं शेयर ऑटो से आ जाऊंगा। बॉस शेयर भूलना मत। जा तू भी शेयर मांग। चलिए टाइम हो रहा है। मेरे भाई तुम्हें कोई प्रोजेक्ट की जरूरत हो तो बताओ, मैं बताऊंगा, शेयर बराबर मिलेगा। उधर क्या देख रहा है, चलना। वो आ रहा है क्या? यही देख रहा था। ओके सी यू, बाय बाय, स्वीट ड्रीम्स। यस बैग लाओ। उसके हाथ में हो या मेरे हाथ में, बात तो एक ही है। सब हम जानते हैं, पहले हमारा काम हो जाने दो। आई सेड जस्टिस। वो सब हमें पता है, पहले लड़की को आ जाने दे। अब इन सब से मैं कैसे बचूं समझ में नहीं आ रहा है। आईडिया वाला भी नहीं है। हाँ क्या हुआ? अभी आ रहा हूँ मैं। क्या बात कर रही है? ठीक है ठीक है ठीक है भाई। चलो चाय पीकर आते हैं। बैग तो देते, जरूरत नहीं है, हम चाय पीकर आते हैं, तुम उन लोग का वेट करो। हम लोग जाकर आते हैं, ठीक है? टकला खुद को होशियार समझ रहा है। हेलो बड़के भैया, आते वक्त जरा मेडिकल शॉप पहले उनको आने दे, फिर उनसे मिल लेना। वो आ जाएंगे। हाँ, आ जाएंगे। ये सब लोग बहुत शातिर हैं। ए जल्दी आ जाना, जल्दी। दिव्या 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 ही उसका नाम है भाई, बुलाऊंगा नहीं तो वो आएंगे कैसे, बताओ। उसे बुला। बुलाता हूँ। दिव्या यहाँ नहीं है, इस तरफ होगी, यहाँ से बुलाता हूँ। कहाँ है? यहाँ से दिखाई नहीं दे रही, लगता है फोन करके देखता हूँ। भाई यहाँ बहुत गड़बड़ लग रही है भाई। उसे वहीं पर गौर दे। ठीक है मैं ऊपर जाता हूँ। जो गए वो अब तक आए नहीं है। नमस्ते सर, आप इस तरफ से आ गए? आपके आदमी तो बैग लेकर चले गए। नो मनी नो वरी। क्या लाफिंग है? जो घर से भागकर शादी करते हैं उनके टुकड़े टुकड़े करने की सोचने वाला मैं, तू मुझे ब्लैकमेल करेगा। याद है क्या कहा था? तू मेरी बहन को मुंबई में बेचेगा तो 10 लाख, फॉरेन में बेचेगा तो कई लाख कमाएगा। मेरे साथ डील करता है तू? तूने मेरी बहन को मोम की गुड़िया कहा था, याद है कि भूल गया? मैं चलता हूँ भाई। ठीक है तू जा। अगले हफ्ते उन दोनों को रजिस्ट्रार ऑफिस आने के लिए कहना। ओके। उनके हक का जो भी है मैं उन्हें दे दूंगा। ठीक है ठीक है, तो मैं चलता हूँ अब। अच्छा नमस्ते मैडम। नमस्ते। उसके नाम जायदाद लिखेगा, उसके नाम? मैं यहाँ पागल बैठी हूँ क्या? हाँ? वो जायदाद मैं तुझे देती हूँ। देख जो मैं कह रही हूँ वैसा ही कर, नहीं तो तुझे मार डालूंगी। यही घर है। थैंक यू बेटा। कहिए। मैं आपके भाई से मिला, वो बहुत खुश हैं, ये पैसे आपको देने के लिए कहे हैं। क्या हुआ? वो आपकी बहन जो है। मुझे ये पैसे नहीं चाहिए,
उनसे कहिएगा उन्होंने हमें माफ कर दिया, इतना ही काफी है। आइए अंदर आइए, चाय कॉफी पीकर चलिए। नहीं धन्यवाद, मैं चलता हूँ। ये आपका बेटा है ना? हाँ। क्या नाम है इसका? पवनराज। अच्छा, बहुत अच्छा नाम है पवनराज। ए, बोलो भाई। कल सुबह सारे आदमियों को लेकर मंदिर में आ जाओ। ठीक है भाई। ए, इधर खड़े हो जाओ। माँ बाप अपने बच्चों को चाहे जितना प्यार से पालें, लेकिन उनका प्यार ही उनकी जिंदगी में सबसे बड़ा होता है। इसीलिए फालतू के आडंबर के बजाय जात पात का भेदभाव मिटाने का एक ही रास्ता है, प्रेम विवाह। इसीलिए प्रेम को बढ़ावा देने के लिए मैं अपनी हर मीटिंग में इसका प्रचार करना चाहता हूँ, और इसका पहला उदाहरण मैं अपने आप से प्रस्तुत करूंगा। मंदिर में कल सुबह अपनी बहन और जीजा को अपनाऊंगा। काम हो जाएगा। आपके भाई ने आपको माफ कर दिया है। सच कह रहे हैं? वो आपसे मंदिर में मिलना चाहते हैं। हम जरूर आएंगे। ठीक है, वो इंतजार करेंगे। कितने साल का बच्चा है? सिर्फ 2 साल का। ये डिजाइन देखिए। ए, हाँ। जल्दी आओ ना। हाँ, बस आ रहा हूँ। भैया वेट कर रहे होंगे, केक भी खरीदना है। ठीक है बाबा। चलिए आओ। मैं सीधा मंदिर में आ रहा हूँ, सब लोग वहीं पर आ जाओ। भाभी से मैं बात। मुझे उसकी ज्यादात नहीं चाहिए, उस लड़के की मौत चाहिए। लड़की को कुछ नहीं होना चाहिए। ओके थैंक्स। केक खरीद लिया। क्या हुआ इसे? अरे क्या हुआ? अरे चुप, आ जाओ चुप, आ जाओ, आ जाओ मेरे पास, आ जाओ, आ जाओ मम्मी के पास, आ जाओ। रोना नहीं, रोना नहीं। क्या मामा के पास जा रहे हैं बेटा? रो मत। मामा के पास जाने वाले हैं ना? रो मत, रो मत, चलो चलो चलो। बिना मैं जी नहीं पाऊंगा। (Gülüyor)